الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم हर किस्म की हमदो सना अल्लाह सुबहानहु व तआला दी जाते बबरकत वास्ते है। बेशमार ला तादाद अनगिनत दरूदो सलाम आका ए दो जहां पैगंबर शर्फो कमाल आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात अकदस ते होल गुज़श्ता खुतबाए जुमातुल मुबारक दे अंदर इंसान दे जो दुश्मन होया करते ने उन्हों का तज़करा फरमाया सी और मैं ये दसिया सी कि इंसान के चार दुश्मन ने इन दुश्मनों के कोल हर वक्त इंसान को बचना चाहिए बचन की कोशिश करनी चाहिए है। तीन का मैं तज़करा किया सी एक बाकी सी और वो जो बाकी एक दुश्मन है उसका तुसा अहबाब के सामने तज़करा करके और उस दे नाल नाल जन्नत का जो शौक है इंसान जो इन्हों दुश्मनों के कोलो बच जाएगा फिर इंसान के दिल के अंदर जन्नत का शौक पैदा हो जाएगा। इन दो बातों का तो अहबाब के सामने मैं अल्लाह के कुरान के अंदरों महबूब अलैहि सलातो वसलाम के फरमान के अंदरों मैं तज़करा करांगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे समेत सानू सारिया नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। तुहानू याद होएगा पहला जो दुश्मन इंसान दा है इंसान दा पहला दुश्मन ए दुनिया फिर शैतान फिर इंसान दा माल है और चौथा जो दुश्मन है इंसान दा अपना नफ्स है। नफ्स भी इंसान दा दुश्मन है और नफ्स दियां भी कई सूरत होया करदियां ने कई किस्म होया करदियां ने। तीन सूरतां दा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद दे अंदर तज़करा फरमाया। आइए इंसान दे कुल इस बात को समझिए जदों इंसान दे कुल माल आ जांदा है दुनिया की दौलत आ जांदी है फिर ये नफ्स इंसान को बुराई करन ते मजबूर कर दे
नफ्स कहंदा है कि ऐ इंसान तेरे को दौलत मौजूद है, माल मौजूद है, माल खर्च कर, दौलत खर्च कर, जिस तरह की तेरा दिल चाहता है महफिल के अंदर जाके बैठ जा, दौलत तेरे को मौजूद है, माल तेरे को मौजूद है। ये नफ्स इंसान हुन ये बात कह रहा है और फिर इंसान इस नफ्स के पिछे लग लग के ख्वाहिशात की पैरवी कर करके और ख्वाहिशात की इतबा कर करके इंसान अपनी दुनिया भी बर्बाद कर लेंदा है, आखरत भी बर्बाद कर लेंदा है। आइए अल्लाह के कुरान के ऊपर गौर कीजिए। इलाहुल आलमीन दा कुरान बयान कर दे, फरमाया नफ्स दिया तीन किस्म, तीन सूरत ने। पहली नफ्स दी किस्म, पहली नफ्स दी सूरत नफ्स अम्मारा, दूसरे नंबर ते नफ्स लवामा, तीसरे नंबर ते नफ्स मुतमाइन्ना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम दे अंदर इन्हां तिन्हां सूरतां दा फरमाया वे। अल्लाह दे कुरान दा पहला मुकाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुकाम ते नफ्स अम्मारा दा तज़करा कीता वे। नफ्स अम्मारा दा मतलब की होया करदा वे, इंसान नू ऐसा नफ्स जड़ा गुनाह ते मजबूर करदा वे, इंसान नू गुनाहां दे वल लैके जांदा वे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम दे अंदर तज़करा फरमाया, फरमाया वामा उबर्रिओ नफ्सी इन्नन नफ्सा ला अम्मारा तुम बिसूई इल्ला मा रहिमा रब्बी। एक दी गल, अल्लाहु अकबर, अल्लाह नबी दा बेटा वे, बाप भी नबी है, दादा भी नबी है, परदादा भी नबी है। अल्लाह दे पैगंबर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इंज जनाब अजीज मिस्र दे घर दे अंदर पहुंच जाते ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इंज जनाब अजीज मिस्र दे घर दे अंदर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद ने। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने बड़ा हुसन अता किया वे, अल्लाह ने बड़ा जमाल अता किया वे, अल्लाह ने बड़ी अजमत ते शान अता की है। आप दा हुसन वेखिया अजीज मिस्र दी बीवी ज़ुलैखा, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हुसन नू वेख के, आप दे जमाल नू वेख के अल्लाहु अकबर इंज कमरे बंद कर लेंदिया ने। ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज दावत दिया ने बुराई दे वल, आ यूसुफ पैगंबर, आ न यूसुफ तू बड़ा खूबसूरत ते प्यारा वे, आ तेरे वास्ते बुराई दे दरवाजे खुले ने, आ बुराई दा इरादा करके वे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ज़ुलैखा ने बंद कर दिता है सैयदना यूसुफ पैगंबर नौ। नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, ज़ुलैखा मैं कम नहीं कर सकदा, मैं नबियां दी औलाद आ, मेरा बाप भी नबी है, मेरा दादा भी नबी है, मेरा परदादा भी नबी है, मैं ये कम नहीं कर सकदा।
मैं ये काम नहीं करांगा, अल्लाह को अकबर अल्लाह ते मैनू अल्लाह वाला अरशा वाला रब भी वेखदा पिया वे। इंज सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकार कर दिता वे, मना कर दिता वे। अल्लाह को अकबर अल्लाह, जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेल च चले जाते ने, इंज वक्त गुजरता जा रहा वे, आपनू जेल के अंदर बंद कर दिता जाता वे, वक्त फिर अगे चलता जा रहा वे। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज जेल चो बाहर निकले ने, अल्लाह को अकबर अल्लाह। ते जुलैखा जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हुसन नु वेख के आप ते कुर्बान हो गई है ना। नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुराई तो इनकार कर दिता वे, अज वो भी वक्त आ गया वे। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंज बुराई तो इनकार किया वे, आपनू जेल के अंदर जाना पिया वे, अज जेल चो बाहर आ गए ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह, इंज सारी सूरत हाल वाज हो जाती है, लोगों नू पता चल जाता वे। तो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल चो बाहर आए ने, इंज लोगों का मजमा लग गया वे। तो जनाबे यूसुफ पैगंबर फरमाते ने, और लोगों मैनु दसो ते सही ना किस गुनाह की पदाश के अंदर तुसी मैनु जेल के अंदर पा दिता वे, किस गुनाह की वजह करके मैनु जेल के अंदर बंद कर दिता वे। जुलैखा भी इन लोगों के अंदर मौजूद है, सब कुछ जाकिर हो चुकया वे। तो जुलैखा की कहती है, अल आना हसन हसल हक्का आना रावतु नफसी। मैं यूसुफ पैगंबर नु वरगलाया सी, मैं यूसुफ पैगंबर नु बहकाया ते फिसलाया सी, हुन ते हक जाहिर हो गया वे, हुन ते सब नु पता चल गया वे। गुनाह किदा वे, सच्चा कौन है झूठा कौन है। अल आना हस हसल हक्का, अल्लाह को अकबर अल्लाह। सल्ला दे पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुकाम ते खड़े होके जड़ा जुमला बोलिया, अल्लाह ने कुरान बना दिता वे। अल्लाह को अकबर अल्लाह, नबी यूसुफ पैगंबर ऐलान करते ने, ओ कायनात दे लोगो, ओ नौजवाना, ओ पांच वक्त दी नमाज पढ़ के अपने नाम दे नाल मुत्तकी ते परहेजगार लिखवान वाले आवे। इंज जनाब रमजान दे महीने दे रोजे रख के इंज अपने आप नू रोजेदार कहलवान वाले आवे। नबी यूसुफ पैगंबर दी बात दे उपर गौर करना, अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान कर दे ने जुबान दे अंदर, आवे फरमाया वमा उबर्रिउ नफसी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी इल्ला मा रहिमा रब्बी। अल्लाह को अकबर अल्लाह, फरमाया इहदे अंदर मेरा कोई कमाल नहीं, मैं बुराई तो बचया वा, अल्लाह ने मैनु बुराई तो बचाया वे। फरमाया नफसे अम्मारा जड़ा वे इंसान नु गुनाह करन ते मजबूर किता करदा वे, लेकिन बचदा ओही है इल्ला मा रहिमा रब्बी, जिनू रब बचा लवे। नबी यूसुफ ने नहीं किया, मेरा बड़ा कमाल है दे अंदर, मैं नबी दा बेटा वहाँ, रब ने मन बचाया वे, मैं नबी दी औलादा, मेरा कमाल है। फरमाया मेरा कमाल कोई नहीं, बल्कि मेरे रब दा कमाल है, मेरे रब दा कमाल है, जिन्हें मैनु गुनाह तो महफूज किया वे। नफसे अमारा इंसान गुनाहां ते मजबूर किया करदा वे, इंसान दे नफ्स अमारा जड़ाया करदा वे, इंसान गुनाहां वल लैके जान वाला होया करदा वे। अल्लाह को अकबर अल्लाह, इस नफ्स नू ठीक करना वे, इस नफ्स दी इस्लाह करनी है। ये इंसान दा दुश्मन है, इंसान दा दुश्मन है, नफ्से अमारा जड़ा वे इंसान दी दुनिया भी तबाह कर देंदा वे, आखरत भी तबाह कर देंदा वे। अल्लाह को अकबर अल्लाह, नफ्स दी दूसरी किस्म अल्लाह दा कुरान कहंदा वे, फरमाया ला
اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. اللہ نے قسم اٹھائی ہے فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامة. نفس اللوامة جڑا وے ایدا کی مطلب ہویا کردا وے. لوامة دا مطلب ہے ملامت کرن والا, ملامت کرن والا نفس, نفس امارہ انسان نو گناہ دے وال لے کے جانے والا, گناہ کرن تے مجبور کرن والا. نفس لوامہ جدو انسان اپنے نفس دی اصلاح کردا ہے گناہاں تو بچ دے, بچن دی کوشش کردا ہے, پھر انسان دا نفس جو ہے او تبدیل ہو کے نفس لوامہ بن جایا کردا وے. اے وی بڑا پیارا نفس ہے, نفس لوامہ ملامت کرن والا نفس. اللہ ہو اکبر. اللہ انسان نیکی کردا اے اے پھر بھی ملامت کردا اے, انسان گناہ کردا اے اے پھر بھی ملامت کردا اے. تسی سوچو گے نیکی کردا اے پھر بھی ملامت کردا اے کیویں؟ انسان نے نیکی کیتی اے, صدقہ خیرات کیتا وے, انسان نو ملامت اس بات دے اوپر کردا وے. اوے اللہ دے بندے, اللہ نے تینوں اینا رزق دے نال نوازیا وے, اللہ نے دولتاں تے مال عطا کیتا وے, تو اللہ دے رستے دے اندر بس اینا ہی کو خرچ کردا پیا وے. انسان نو ملامت پیا کردا وے زیادہ خرچ کرن تے مجبور کردا وے. اللہ اللہ گناہ تے وی ملامت کردا وے, انسان گناہ کردا وے اے ملامت کردا وے. اللہ کو اکبر. اللہ کہندا اے او اللہ دے بندے, گناہ کر لے آئی تے مرنا وی اے, اس دنیا تو جانا وی اے, اے دنیا چھڑ کے جانی اے نا. اے کسے دے اوپر تو جناب ظلم کیتا وے, نفس تیرا ملامت پیا کردا وے, ان ملامت کیتی اے تو فورن جدے تے ظلم کیتا اے او دے اگے جا کے ہاتھ جوڑ لینا وے, اے پراوا مینوں اللہ واسطے معاف کر دینا, اللہ واسطے معاف کر دینا. اے نفس ملامت پیا کردا وے, اپنی بھن دا حق کھادی بیٹھا وے, اے نفس نو ملامت کردا وے. اوے اللہ دے بندے اے دنیا تے ایتھے رہ جانے نے, اے مال تے سب کچھ ایتھے رہ جانا وے. اللہ کو اکبر. اللہ جنہاں دا حق دین والا اے انہاں دا حق دے چھڑنا وے, اے نفس ملامت پیا کردا وے. کوئی بھی بندہ گناہ کردا وے, اے نفس دے گناہ تے ملامت کردا وے. اللہ کو اکبر. اللہ پھر بندہ اس نفس دے پیچھے لگ داوے, اے ملامت کردا وے, بندہ گناہ تو باز آ جاندا وے, بندہ ظلم کرنا چھڑ دیندا وے, بندہ زیادتی کرنا چھڑ دیندا وے, بندہ کسے دا حق کھانا چھڑ دیندا وے, بندہ ماں باپ دا احترام کرنا شروع کر دیندا وے. اللہ کو اکبر. اللہ جدو بندے دے اندر اے خوبیاں پیدا ہو جاندیاں نے, پھر چل دیاں پہنچ دیاں پہنچ دیاں وے, اے نفس بڑائی آلہ نفس بن جاندا وے, اے نفس بڑائی پیارا نفس بن جاندا وے. اللہ نے اس نفس دا وی قرآن دے اندر تذکرہ کیتا وے, اے نفس امارہ سی, امارہ تو لوامہ بن گیا, لوامہ سی لوامہ تو ہن جڑا نفس بنیا وے. آئیے اللہ دے قرآن دے اوپر غور کیجیے, فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئنہ مطمئنہ, ہن اے نفس مطمئنہ بن گیا وے, ایڈا پیارا نفس بن گیا وے, ایڈا محبوب نفس بن گیا وے. اللہ کو اکبر. اللہ اس بندے دی نفس مطمئنہ والے بندے دی جدو فرشتے روح قبض کرنا دے نے, اللہ کو اکبر. اللہ تے اے فرشتے
कहंदे आ अब्दुल्ला तेरी रूह कढ़नी है, आ अली तेरी रूह कढ़नी है, आ उमर तेरी रूह कढ़नी है। बल्कि इस बंदे दे कोल आंदे ने आके ऐलान करदे ने मुतमइन्ना मुतमइन्ना, ऐ पाकीज़ा रूह ऐ मुतमइन नफ्स आ जाना तेनू तेरा रब पिया बुलांदा वे। इरजिई रब्बी की राजिया तमरविया। फरिश्ते दे जिस्म दे अंदर रूह कढ़ देने रूह कब्ज कर देने। अल्लाह अकबर अल्लाह फरिश्तियां नू पुछदा वे ओ तुसी मैनू किधर लैके जा रहे हो, किहड़े पासे लैके जा रहे हो। फरिश्ते ऐलान कर देने इरजिई इला रब्बी की इला रब्बी के राजियत मरविया, ऐ मुतमइन नफ्स तेरे ते तेरा रब भी राजी है, तेरा रब तेरा दीदार करना चाहता वे। आ रब नाल मुलाकात कर लेना, आ रब दे सामने आ जाना। इरजिई इला रब्बी के राजियत मरविया फदखुली इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स जा रही है रब नाल मुलाकात होइयां ने, अल्लाह ऐलान करदे ने फदखुली फी इबादी, मेरे बंदे इस मेरे बंदे नू मेरे नेक बंदियां दी सफ दे अंदर खड़ा कर दियो और उन्हां दी सफ दे अंदर शामिल कर दियो जिन्हां नू अल्लाह ने जन्नत दा दाखला अता कर छड़िया। अल्लाह को अकबर अल्लाह। इस वजह करके मेरे वीर अपने नफ्स दी भी सलाह करया करना, अपने नफ्स दे पीछे ना लगया कर, अपने नफ्स दियां ख्वाहिशात दी पैरवी ना करया करना, अपने नफ्स नू मुतमइन्ना बना लेना, ऐसा पकीजा बना लेना, ऐसा प्यारा बना लेना। जदों फरिश्ते तेरे जिस्म दे अंदर रूह कढ़न ना इंज ऐलान करना मुतमइन्ना मुतमइन्ना मुतमइन्ना, आजा पक्की जरूर तेरा रब तेरा इंतजार पिया करदा वे। इधर तेरी जान निकले इधर तेरी रूह आसमाना वल बुलंद होए, आसमाना ते दरवाजे खोल दिते जान, आसमाना ते चढ़े ते जन्नत ते दरवाजे खोल दिते जान। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ये इंसान दा चौथा दुश्मन है नफ्स जड़ा वे, जड़ा बंदा इस दुश्मन के पिछे लग गया हो, जिन्हें इस नफ्स की ताबेदारी कर ली, जिसने नफ्स की पैरवी कर ली, ओदी दुनिया भी बर्बाद हो गई आखरत भी बर्बाद हो गई ना। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ते जिहड़ा बंदा इन्हां चारां दुश्मनां दे कोलो बच जांदा वे, इन्हां दे कोलो बच बच के जिंदगी गुजारदा वे, उस बंदे दे दिल दे अंदर फिर दुनिया की मुहब्बत भी खत्म हो जाती है, ये दुनिया का प्यार भी खत्म हो जाता वे, ये सारिया ख्वाहिशात तो खत्म हो जाया कर दिया ने। फिर उस बंदे दे दिल दे अंदर सिर्फ बाकी रहंदा है ते जन्नत दे दाखले दा शौक बाकी रहंदा वे। फिर बंदा हर वक्त ही तमन्ना और ख्वाहिश करता रहंदा है मैनू जन्नत मिल जाए, रब दी जन्नत दा दाखला मिल जाए। अल्लाह को अकबर अल्लाह। जन्नत दा शौक बड़ा ही प्यारा शौक है, जन्नत दे दाखले दा हुसूल इस दा शौक बड़ा प्यारा वे। अल्लाह सारियां नू जन्नत दा शौक नसीब फरमाए। अल्लाह को अकबर अल्लाह। मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम इंज घर दे अंदर तशरीफ फरमाने, जनाबे सैयदना उमर फारूक रवी अल्लाह तआला अन्हु इंज मेरे महबूब पैगंबर दे कोल आए, आके वेखिया अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम नू, आप इंज खजूर दी चटाई बिछाई है, आप ऊपर बैठे हुए ने, सज्जे पासे थोड़े जे जौ पै ने, खब्बे पासे दरख्तां दे पत्ते पै ने। मेरे महबूब पैगंबर कदी जौ थोड़े जे मूँह च पा लैंदे ने, कदी दरख्तां दे पत्ते मूँह च पा लैंदे ने। मेरे पैगंबर अली सलातो व सलाम नू वेखिया सैयदना उमर फारूक रवी अल्लाह तआला अन्हु इंज अखां चों आंसू आ जा
जाते ने, रोना शुरू हो जाते ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं कहन लगे, अल्लाह दे नबी जी किथे कैसरो किसरा उन्हां वास्ते जनाब इंज शराब दी फरावानी है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह दौलतां मौजूद ने, सब कुछ दुनिया दियां असैशां कैसरो किसरा दे कुल मौजूद ने। अल्लाह दे नबी जी तुसी जो खा के गुजारे पिया कर दे, इंज दरख्तां दे पत्ते खा पी के गुजारे पिया कर दे। अल्लाह को अकबर, अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर अली के सलाम फरमांदे ने, ओए उमर मैनू दसना मा युग की का या उमर, उमर रोना क्यों पिया में, क्यों रो रहा में, क्यों अखा चो आंसू बहा रहा में। सैयदना उमर रबी अल्लाह खुदाला अनुभव फरमांदे ने, अल्लाह दे नबी जी सिर्फ यही बात नो सोच के मैनू रोना आ गया वे। उन्हां दे कुल ते उन्हां काफरां ते मुशरकां दे कुल दुनिया दी हर सहूलत मौजूद है। अल्लाह दे नबी जी तुसी जौ पिया खांदे हो, तुसी पत्ते पिया खांदे हो, मेरे महबूब पैगंबर अली सलाम ने इंज सैयदना उमर फारूक रवी अल्लाह तआला आनु खोनु इंज कोल बठा लिया वे। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, ऐ उमर परेशान क्यों होना वे, रोना क्यों वे, अखा चो आंसू क्यों बहाना वे। फरमाया मा तरजा, क्या तू इस बात ते राजी कोई नहीं, अल्लाह ने इना कैसरो किसरा वालिया वास्ते, इना काफरा ते बदबख्तां वास्ते अल्लाह ने दुनिया दे अंदर ही सब कुछ अता कर दिता वे। अल्लाह ने तुहानू ते तुहाडे नबी नू जन्नत अता कर दिती है। अल्लाह को अकबर, अल्लाह इन्ना शौक जन्नत दे अंदर दाखले दा, खजूरां थोड़ियां थोड़ियां खजूरां जौ पत्ते खा के इस दुनिया दे अंदर जिंदगी बसर कीती है, लेकिन शौक कद है रब दी जन्नत दे अंदर जाके इन्ना सारियां सहूलतां नेमतां तो फायदा उठावांगे। अल्लाह को अकबर, अल्लाह काश के आज तेरे मेरे दिल दे अंदर भी ये शौक पैदा हो जाए, ये शौक पैदा हो जाए। आज तू शिकवे करना है, मेरी तनख्वाह थोड़ी है, मेरा जनाब घर का चूल्हा नहीं चलता। अल्लाह को अकबर, अल्लाह अगर तेरे दिल दे अंदर ये सारिया दौलतों की मुहब्बत खत्म हो जाए ना, तेरे दिल दे अंदर जन्नत का शौक पैदा हो जाए, कदी जुबान ते शिकवा नहीं करेगा, जुबान दे नाल इस बात दा शिकवा नहीं करेगा, मेरी तनख्वाह थोड़ी है, मेरी पूरी नहीं पैंदे, फलां फलां भी मुआमलात ने, फलां फलां भी मसले ने। अल्लाह दी कसम है, जदों दिल दे अंदर शौक जन्नत दा पैदा हो जांदा वे, इस दुनिया दी मुहब्बत निकल जांदी है ना, इस दुनिया दा प्यार निकल जांदा वे ना। अल्लाह को अकबर, अल्लाह इंसान अपनी मुहब्बत अल्लाह दे घर नाल पा लैंदा है ना, अल्लाह दे घर नाल प्यार करना शुरू कर देंदा वे, फिर इंसान दे दिल दे अंदर जन्नत दा शौक पैदा हो जांदा वे। जदों दिल दे अंदर जन्नत दा शौक आ जांदा वे, फिर इंसान इन्ना दुनिया दियां तंगियां दियां परवाहां नहीं करदा, इस दुनिया दे अंदर अजमायशां दे कोई इंसान वा वैला नहीं करदा, रब दे शिकवे नहीं करदा, बल्कि जिस भी हाल दे अंदर अल्लाह उस बंदे दो रखदा है अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़दा रहंदा वे। अल्लाह को अकबर, अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने जन्नत दा शौक रखिया करो ना दिल दे अंदर। अल्लाह को अकबर, अल्लाह नबी पाक दा इक सहाबी सैयदना अनस बिन नवर रवी अल्लाह तआला अनहु, सैयदना अनस बिन मालिक रवी अल्लाह तआला अनहु दे चचा ने, सैयदना अनस बिन नवर रवी अल्लाह तआला अनहु इंज मैदाने उहद दे अंदर शरीक नहीं हो सके, मैदाने उहद दे अंदर मैदाने बदर दे अंदर शरीक नहीं हो सके, मैदाने उहद दे अंदर इंज जनाबे सैयदना अनस बिन नवर रवी अल्लाह तआला अनहु इंज अगे बढ़ते जा रहे ने। अल्लाह को अकबर, अल्लाह इंज काफरां नू कतल करते जा रहे ने। इधर सैयदना खालिद बिन वलीद रवी अल्लाह तआला अजे मुसलमान
नहीं होए इन्हां ने एक दर्रे वालों हमला किया। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम जैसे आप बाब इंज बिखर गए ना हो सैयदना नस्बिन नफर रबी अल्लाह तआला नु कहो अकेले मैदान किताल दे अंदर अगे बढ़ते जा रहे ने इंज जनाब काफरा नु कतल करते जा रहे ने इन्हां दी मुलाकात सैयदना साद रबी अल्लाह तआला अनु हो दिन हो जाती है। सैयदना साद कहते ने है अनस बिन नदर तुसी पीछे आ जाओ ना तुसी अकेले हो ना काफरां दा जोर है तुसी शहीद कर दिते जाओगे। अल्लाह को अकबर लाद जन्नत दा शौक वेखो ना नबी पाक दे सहाबा दे दिलां दे अंदर सैयदना अनस बिन नदर फरमांदे ने है मेरे साद साथी सुन ले ना मैनू अगे बढ़न तो मना ना कर मैनू अगे जान तो रोक ना। अल्लाह को अकबर अल्लाह क्यों ना रोका सैयदना अनस बिन नदर फरमा देने में है मेरे साद सिहाबी है मेरे साद साथी इन्नी आजीदू इन्नी आजीदू रीहल जन्नत आव मैनु जन्नत की खुशबू इस मैदान के अंदर प्यादी है जन्नत की खुशबू प्या आ रही है मैनु अगे बढ़न दे मैनु रोकना ना मैनु अगे जान दे मैनु मना करना। अल्लाह को अकबर अल्लाह इंज चलदियां काफरां नू मार दियां जनाबे सैयदना अनस बिन नदर भी शहीद हो जांदे ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह शौक कादा है जान दी परवाह नहीं कीती जन्नत दे हुसूल दी खातर जान भी कुर्बान कर दिती है। मेरे पैगंबर दे को होर से आप भी मैनू याद आए मुसनद अहमद दी रवायत ना अल्लाह को अकबर अल्लाह इन्हां दा नाम सैयदना अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह ने चार बेटे अता किए ने बड़े जवान बेटे ने अल्लाह अल्लाह शेर बेटे अल्लाह ने अता किए ने। इंज मैदाने ओहद लगे आए ना मैदाने बदर दे अंदर ये भी शरीक ना हो सके। अल्लाह को अकबर अल्लाह इंज लत तो लंगड़े ने नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे सहाबी सैयदना अमर बिन जमू इन्हां नूं कहंदे ने मैदाने बदर दे अंदर ना जा सके मैदाने ओहद आ गया। इंज बेटियां नूं कहन लगे मैं भी मैदाने ओहद दे अंदर जाके मैं भी अपनी जान दा नवराना अल्लाह दे रस्ते दे अंदर पेश कर देवांगा। इंज बेटे चले ने नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे कोला जांदे ने आके कहंदे ने अल्लाह दे नबी जी साडा बाप सानू मजबूर पिया कर दावे मैं भी मैदाने किताल दे अंदर जाना वे मैं भी जिहाद करना वे असी शेर जवान हाँ असी जवान मैदाने किताल दे अंदर लड़ांगे। नबी पाक फरमांदे ने जाओ अपने बाप नू के आओ नाम इंज जनाबे सैयद नाम अमर रवी अल्लाह तआला अन हो इंज महबूब पैगंबर दे सामने बैठे ने आप फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबी अल्लाह ने तेनू इजाजतां दित्तियां ने अल्लाह ने तेनू रुखसतां दित्तियां ने तू मैदान किताल दे अंदर ना भी जाए तू फिर भी हक अदा कर दिता वे तेरे बेटे भी मौजूद ने मैदान किताल दे अंदर जाके लड़नगे। ऐ अमर तू ना मैदान किताल दे अंदर जा ना सैयदना अमर बिन जमू कहंदे ने अल्लाह दे नबी जी मैं भी जन्नत दा दाखला चाहना वा मैं भी चाहना वा मैदाने बदर दे अंदर जाके लड़ा शहीद कर दिता जावा रब दी जन्नत दा दाखला मिल जाए। अल्लाह को अकबर अल्लाह नबी पाक ने बेटियां नु कहया तुहाडा बाप मजबूर पिया करदा वे तुसी भी ना रोको। इंज सैयदना अमर रवी अल्लाह तआला अन्हु मैदाने ओहद दे अंदर चले जा इंज काफरां नूं कतल करदियां मेरे महबूब पैगंबर दा सहाबी लत तो लंगड़ाए अल्लाह को अकबर अल्लाह लेकिन किताल पिया करदा है काफरां नाल लत तो लोलाए फिर भी मैदान किताल दे अंदर पिया लड़दा वे। अल्लाह को अकबर अल्लाह ये मुहब्बत होया करदियां ने ये प्यार होया करदा वे ओ तेरी किवें दी मुहब्बत है अल्लाह की कसम है मेरे पैगंबर दा सहाबी लत
हाथ तो लंगड़ा होके मैदान कताल दे अंदर पिया लड़दा वे जिहाद पिया करदा वे तेरी मोहब्बत दे की कहने ने तू सुबह दी नमाज सर्दी दे अंदर नबी पाक ते नाल मोहब्बत देता वे भी करना वे नबी पाक की नमूस वास्ते अपनी जान तक कुर्बान करने वास्ते तैयार है लेकिन महबूब पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा नमाज की पाबंदी करनी है तेरी पाबंदी तेरी मोहब्बत तेरा प्यार ते इत्थों तक के सुबह उठ के अल्लाह दे घर मस्जिद दे अंदर आके फजर की नमाज भी नहीं पढ़ सकता मस्जिद खाली भैया ने नबी पाक दे सहाबा दा जन्नत दा इन्ना शौक है इन्नी मुहब्बत है नबी पाक नाल लत तो लंगड़ा हो के मैदान किताल दे अंदर लड़दा पे तू फजर दे अंदर उठ के गरम बिस्तर छड़ के मस्जिद दे अंदर ना पहुंच सकिया उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके जन्नत दे हकदार बन गए अल्लाह को अकबर अल्लाह इंज मैदान किताल दे अंदर शहीद हो जांदे ने सैयदना अमर बिन जमू रबी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने इंज जंग खत्म हुई बाद दे अंदर वेखिया इंज नबी पाक दे सहाबी दी मैयत चुकते इंज जनाब नबी पाक अलैहि सलाम दे सामने लियांदी जांदी है आप ने वेखिया वे नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने ये मेरा ओही सहाबी अमर बिन जमू है जेड़ा लत तो लंगड़ा सी अल्लाह दे रस्ते दे अंदर लड़दा लड़दा शहीद हो गया वे आ फरमांदे ने मैं अपनी अखां नाल वेख्या वे मैनू इंज लगदा वे मेरा ये सहाबी अमर बिन जमू रबी अल्लाह तआला नु जन्नत दे अंदर दाखिल कर दिता गया वे अल्लाह ने इहदा लंगड़ापन भी ठीक कर दिता है और ये जन्नत दियां मंजिलां चढ़दा जा रहा वे जन्नत दियां मनाजल तय करदा जा रहा वे अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर दे सहाबा दे अंदर जन्नत दे हुसूल दा इन्ना शौक इन्ना प्यार जन्नत दा दुनिया छड़ दित्ती जन्नत दी खातर माल कुर्बान कर दिता जन्नत दी खातर सब कुछ छड़ दिता जन्नत दी खातर खानदान छड़ दिता जन्नत दी खातर औलाद कुर्बान कर दित्ती जन्नत दी खातर सब कुछ छड़ दिता मेरे महबूब पैगंबर दी खातर ते जन्नत दा दाखला मिल जाए ओए मुसलमाना तू एवें दी मुहब्बत करना अपने अंदर एवें दा शौक पैदा करना अपने अंदर एवें दा शौक पैदा करना अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे सहाबा जैसा अपना किरदार बनाना अपनी सीरत बनाना अपना शौक इस तरह दा बनाना नबी पाक दे सहाबा दा शौक किवें दा सी नबी पाक दे सहाबा कहंदे ने साडी इकी ख्वाहिश रहिंदी सी हर वक्त असीं अल्लाह दे नबी दा दीदार ही करदे रहिए नबी पाक दे कोलों इंज जनाबा जो नसीहत ही सुनदे रहिए अल्लाह को अकबर अल्लाह दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं सोना एहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं दिल नबी दे प्यार कोलों रजदा ही नहीं मेरे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान मेरे नबी